गुड मॉर्निंग, मैसेल्फ आलोक कुमार सिंह, और आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर एक सिस्टम टर्म लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। अगर स्पेशली हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा शरीर कई सिस्टम्स के माध्यम से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम की बात कर लें, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहने का मीन ये हुआ कि लगभग हमारे शरीर में 11 तंत्र क्या काम करते हैं, और अगर हम सभी तंत्रों की बात करें कि इन तंत्रों का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है, तो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किसी भी सजीव का निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से होता है, एक सेल के माध्यम से होता है। सेल को बोला ही गया है कि सेल किसी भी लिविंग थिंग की फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, या हम ये कह लें कि सेल इज अ फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बींग। किसी भी सजीव का निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से हुआ। यहाँ पर एक सेंटेंसेस और लगाने वाली बात है कि जब एक ही समान काम करने वाली कोशिकाएं, या ये कह लें कि ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचना समान है तथा काम भी समान है, जब वो आपस में इकट्ठा होती है तो वो टिश्यूज का निर्माण करती है। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि किसी भी सजीव का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है, सेल के माध्यम से हुआ है। एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जिनकी संरचना समान है, इवन फंक्शन भी अगर सिमिलर है, जब वो आपस में इकट्ठा होती है तो वो टिश्यू बनाती है। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन वाले टिश्यूज जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। सिमिलर फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे सिस्टम आपस में मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो स्टार्टिंग के जो मेरे सेंटेंसेस थे, लाइक हमारा शरीर कई सिस्टम के माध्यम से बना है, तो उसका बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि हमारे शरीर के अंदर कई सारे तंत्र काम कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को दिए, लेकिन अगर देखते उन सिस्टम्स की सबसे छोटी यूनिट्स की हम बात करते हैं तो वो है सेल। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं और इसको क्लियर करूंगा। लाइक अगर एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें, एक बहुत ही पुराना सा पिक्चर है जो कि हम लोग 6th 7th 8th में पढ़कर आए हैं। लाइक मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने की कोशिश किया है, मैं इसको लेबल लगा देता हूं, लाइक माउथ, फैरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन। सो समझने वाली बात यह है कि मैंने यहां पर जो भी लैबलिंग लगाई है, लाइक माउथ, फैरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन के नाम है, राइट? ये सारे ऑर्गन आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम लोग इस बात को इमेजिन कर लें कि अगर जस्ट सपोज दैट कि फैरिंक्स को हम कई टुकड़ों में डिवाइड कर दें, राइट? इतने बड़े टुकड़े कि उसको हम उठा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो हर टुकड़ा अपने आप में टिश्यू कहला रहा है। और अगर उस टुकड़े को हम लोग इतने छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें कि उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम देख पाए, तो वो हर पीस सेल कहलाएगी। अब बात आती है कि इनको आपस से जोड़ा जाए। अगर उस छोटे पीसेस को आपस में जोड़ते हैं हम लोग, तो वही बात आएगी कि सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, लाइक टिश्यू बनाएंगी। और सभी टिश्यूज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो ऑर्गन बनाते हैं, लाइक एक ईसोफेगस का स्ट्रक्चर बनेगा, और सभी ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। तो इसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं। स्पेशली अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, बल्कि ये कहा जाए कि सभी जीव जातियों के शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। यहां पर इस बात को भी समझना जरूरी है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता क्या है। समझते हैं, पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे किसी भी अगर हम लिविंग बींग की
बात करते हैं तो वो एलिमेंट्स के माध्यम से बने हुए हैं, लाइक रसायन के माध्यम से बने हुए हैं। और हम लोग जब भी इस बात को उठाते हैं कि सजीवों का निर्माण रसायन के माध्यम से हुआ है, तो बेसिकली सिक्स एलिमेंट ऐसे हैं जिनके माध्यम से लिविंग बींग बने हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, ये वो एलिमेंट हैं जो किसी भी सजीव का निर्माण करते हैं। अब हमें इस बात को समझना होगा, इसी क्लासेस में हमने सेल के बारे में भी पढ़ रखा था कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। नाउ दैट हमको ये बात समझनी होगी कि जिन रसायनों के माध्यम से हम लोग बने हैं, इनको हम अपनी डेली रूटीन में डाइट के माध्यम से ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इसे हम ग्लूकोज के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। जितने भी हमारे डाइटरी मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोटैटो की बात कर रहे हैं, और लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि जो भी हम रोटियां खा रहे हैं उसमें कौन से रसायन शामिल हैं, तो हम ग्लूकोज की बात करते हैं। और ग्लूकोज के अंदर क्या शामिल है, लाइक कार्बन तथा हाइड्रोजन शामिल है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, लाइक जितनी भी प्रोटीन की बात करें, तो जितनी भी दालें हम लोग ले रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन शामिल है, एग के अंदर प्रोटीन शामिल है। तो जो डाइट हम लोग लेते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस पिछली क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जनरली कोशिका द्रव में होती है, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जनरली कहां चल रही है, कोशिका के कोशिका द्रव में चलती है, जिसको भी हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बात यहां पर आती है कि केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब हुआ। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा लाइक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ठीक है, नाउ लेट यूरिया। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें कि ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और एनर्जी बनाई जा रही है। सही फंडा आता है कि अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसके माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर क्लियर करने वाली बात यह है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं कोशिका द्रव के अंदर चलती हैं, तो आवश्यक चीजों में लाइक ऊर्जा के अलावा भी कई सारे वेस्ट मटेरियल्स का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो जब प्रोटीन टूटता है तो यूरिया, क्रिएटिनिन तथा यूरिक एसिड जैसे वेस्ट मटेरियल बनते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चलती है, जब भी मतलब चल ही रही है, किसी भी सजीव की जब हम बात करते हैं कि अगर वो जीवित अवस्था में है, इट मीन दैट उसके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चल रही, इट मीन दैट कि उस कोशिका का जीवन संभव नहीं है। तो स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में, लाइक अगर प्रोटीन की हम बात करें, जब प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर टूटता है तो आवश्यक चीजों के रूप में ऊर्जा बन रही है। यह भी मैं क्लियर कर दूं कि 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन कुछ मात्रा में वेस्ट मटेरियल का निर्माण भी होता है। एग्जाम्पल है यूरिया, क्रिएटिनिन तथा यूरिक एसिड। ये केवल मनुष्यों में नहीं हो रहा है, ये सभी प्रकार के सजीवों के शरीर के अंदर हो रहा है। जो हानिकारक मटेरियल बन रहे हैं इनको शरीर से उत्सर्जित करना भी जरूरी है। अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड में शामिल हो जाए तो शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और मे बी दैट की बंदे की मौत हो जाएगी। तो हमको इस बात को समझना है कि इन उत्सर्जी पदार्थों को किस तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर किया जाता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, उस तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं और उन ऑर्गन्स की संरचना कैसी होती है, लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी फिजियोलॉजी क्या है। मैंने बोला कि केवल ये प्रोसेस जो है लाइक हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित करने का जो प्रोसेस है वो केवल मनुष्यों में नहीं है, वो सभी सजीवों में है। तो अलग अलग प्रकार के सजीवों को कैटेगरी के आधार पर हमने उत्सर्जन की प्रोसेस को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसे हम अमीनोटैलिक जंतुओं की एक हमने श्रेणी बनाया। अमीनोटैलिक का बड़ा सीधा मतलब है ऐसे जीव
जो नाइट्रोजन ये वेस्ट मटेरियल को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम अमीनोटैलिक जीव की श्रेणी में रखते हैं या अमीनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में किन चीजों को उत्सर्जित कर रहे हैं, अमोनिया को कर रहे हैं। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, तो स्पेशली जो मैराइन वाटर या ये कह लें कि जो वाटर में रहने वाले जीव हैं वही उत्सर्जी पदार्थों के रूप में केवल अमोनिया को उत्सर्जित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लाइक प्रोटोजोअन, अमीबा, ठीक है, क्रस्टेशियंस। So, ये वो एनिमल्स हैं, और भी लगाए जा सकते हैं लाइक स्पंज की हम बात कर सकते हैं इसमें। तो ये वो एनिमल्स हैं जो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में केवल अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। सेकंड थिंग्स की अगर हम बात करें यूनिकोटैलिक, ऐसे एनिमल्स जो उत्सर्जी पदार्थों को या नाइट्रोजनी वेस्ट मटीरियल को यूरिक एसिड के रूप में शरीर से बाहर करते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिक एनिमल के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत सभी प्रकार की बर्ड्स को शामिल किया गया है, राइट। नाउ दैट इंसेक्ट्स की भी हम बात कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत सभी इंसेक्ट्स भी आते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो किस रूप में है इस आधार पर हमने जीवों को क्लासिफाइड किया है। लाइक अगर कोई जीव अमोनिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जित करता है तो उसे हम अमीनोटैलिक के नाम से जानते हैं। जितने भी जलीय जीव हैं, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला है कि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए केवल जलीय जीव ही कैपेबल होते हैं लाइक प्रोटोजोअन्स, अमीबा, क्रस्टेशियंस की हमने बातें की। नाउ दैट स्पंज, ये वो जीव है जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। यूरिकोटैलिक मीनिंग ऐसे जीव जो यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, इसके अंतर्गत सारी बर्ड्स आती हैं और इंसेक्ट्स भी आते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक मीनिंग व्हाट, ऐसे एनिमल्स जो यूरिया के रूप में एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं उसे हम यूरियोटैलिक एनिमल कहते हैं। और सभी मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, सारे मैमल्स इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी हम इस तरीके की चीजों को पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाएं कि सभी सजीवों का विकास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ है। सबसे पहले इस धरती के ऊपर सरल जीव आए हैं, मीन दैट कि उनके पास बहुत ज्यादा विकसित तंत्र नहीं है। धीरे धीरे विकास हुआ और आज का ह्यूमन बीइंग बना। हम ये कह सकते हैं कि मानव इस धरती का सबसे विकसित प्राणी है। विकसित प्राणी है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा विकसित तंत्र हैं। नाउ दैट अगर हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो सबसे सरल जो ऑर्गन होंगे वो किसमें होंगे, अमीनोटैलिक। Why? Because इसमें प्रोटोजोअन्स को शामिल किया गया है। प्रोटोजोअन्स एक कोशीय होते हैं, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं इनमें उत्सर्जन की जो प्रोसेस है ये फ्लैग सेल्स के माध्यम से होती है, जिसे हम ज्वाला कोशिका भी कहते हैं, राइट। सेकेंड की अगर हम बात करें लाइक यूरिकोटैलिक, तो यूरिकोटैलिक में एक नाम और जोड़ा जा सकता है लाइक अर्थवॉर्म का। ये वो जीव है जिसमें कम विकसित किडनी या नेफ्रिडिया पाया जाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, इनके शरीर के अंदर कौन से ऑर्गन होंगे जो कि उत्सर्जन का प्रोसेस करते हैं, नेफ्रिडिया या कम विकसित किडनी इनके शरीर के अंदर पाई जाती है। और सबसे विकसित प्राणी कौन है, लाइक मैंने बोला मैमल्स है, और मैमल्स में भी जो मानव शरीर है वो सबसे ज्यादा विकसित है, तो इनके शरीर के अंदर उत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है वो किडनीज के माध्यम से की जाती है। जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली मानव शरीर को पॉइंट आउट करके किया लिया गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर उत्सर्जन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, इस बात को हमें समझना है। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें किडनी तथा किडनी से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उसके स्ट्रक्चर समझने होंगे और उसकी फिजियोलॉजी भी
भी समझनी होगी, राइट। तो आप इमेजिन करें कि अगर किसी बंदे के शरीर का डिसेक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, सो वर्टिकल कॉलम के दोनों तरफ लोअर एब्डोमेन में दो किडनी की आकृति की संरचनाएं पाई जाती है। मैं बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को, जिसे हम किडनी कह रहे हैं। ओके, रिपीट कर रहा हूं मैं, स्पेशली हम लोगों का जो सेकंड पॉइंट है वो आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। सो सबसे पहले हमको बात करनी होगी पोजीशंस की, कि किडनी कहां स्थित होती है, कैसी होती है, क्या काम करती है। तो इमेजिनेशंस करना बड़ा सिंपल है, क्या हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, हमारा शरीर किस तरीके से है, ये बात समझना ज्यादा कठिन नहीं है। हम लोगों को ये बात मालूम है कि हमारे शरीर के पिछले हिस्से में कशेरुकाएं पाई जाती हैं, कशेरुक दंड, जिसको कि हम वर्टीब्रे के नाम से भी जानते हैं। तो कशेरुकाओं के दोनों पार्श्वों में या लेटरल पोर्शन में सेम के बीच की आकृति की संरचनाएं, जिसको कि हम किडनी कहते हैं। किडनी को एक ग्लैंड माना गया जो कि हल्की गुलाबी रंग की ग्रंथि है। सामान्य तौर पर अगर इसकी आकृति, इसकी अगर हम आकृति की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी जो लंबाई है 11 सेंटीमीटर की है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, चौड़ा होता है, और लगभग 3 सेंटीमीटर छोटा जा सकता है। So, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, हल्की गुलाबी रंग की ग्रंथि है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों पार्श्वों में, दोनों लैटरल पोर्शन में पाई जा रही है। इसके दो एंड है, सुपीरियर एंड और इंफीरियर एंड, या हम हिंदी में बात करें ऊर्ध्व सिरा और निम्न सिरा, राइट। दो बॉर्डर्स हैं, कॉन्वेक्स तथा कॉनकेव। बाहरी जो पोर्शन उसे हम कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं, जबकि इंटरनल जो है उसे हम कॉनकेव के नाम से जानते हैं। इसका जो सुपीरियर पोर्शन होता है, इस पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, राइट। रिपीट कर रहा हूं मैं, कितने एंड है इसमें, दो एंड है, सुपीरियर एंड और इंफीरियर एंड। दो बॉर्डर्स हैं, कॉनकेव तथा कॉनकेव। सुपीरियर बॉर्डर पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है। जो कॉनकेव बॉर्डर होती है, यहां पर एक गड्ढा पाया जा रहा है जिसे कि हम हाइलम के नाम से जानते हैं। इसको भी लेबल लगा दिया जाए, एड्रीनल ग्लैंड। एक बात और मैं कह दूं कि साइंस में डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि वो लेबल ना हो। तो वो किडनी के नीचे एक ट्यूब के समान संरचना है, हमें दिखाई दे रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम यूरेटर के नाम से जानते हैं। नीचे हमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम ब्लैडर के नाम से जानते हैं, और ब्लैडर का एक हिस्सा नीचे ओपन है, खुला हुआ है, जिसे हम यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं, राइट। रिपीट कर रहा हूं मैं, सुपीरियर पोर्शन पर ग्लैंड है जिसको क्या नाम दिया गया, एड्रीनल ग्लैंड। जो कॉनकेव बॉर्डर थी, यहां पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। इस हाइलम के माध्यम से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, जिसे हम यूरिटर कह रहे हैं। यूरेटर अल्टीमेटली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको कि हम ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर जनरली यूरिन को कलेक्ट करने के लिए होता है, और ब्लैडर का एक हिस्सा नीचे की ओर ओपन है, जिसे हम यूरिथ्रा कह रहे हैं, जिसमें मेल यूरिथ्रा अलग है और फीमेल यूरिथ्रा अलग होता है, क्योंकि लंबाई भी अलग होती है। यहाँ पर एक बात और मैं पॉइंट आउट कर दूं कि जब हम पोजिशन की बात करते हैं कि साहब जो किडनी है वो कहां पर स्थित है, वर्टिकल कॉलम के दोनों लैटरल पोर्शन में तो है, लेकिन एक्चुअली उसका पोजीशन है क्या, तो पोजीशंस में हम बात करते हैं इक्वल थोरेसिक वर्टिब्री टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा, राइट। हमको मालूम होना चाहिए कि वर्टिब्री कौन है, कैसी होती है, संख्या क्या है। मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब हम कशेरुकाओं की बात करते हैं,
कशेरुकाएं सभी लोग समझते होंगे। कशेरुकाओं में हड्डियां अलग अलग हैं, ठीक है, डिस्क से आप स्ट्रक्चर्स हैं, और उनकी संख्या या हम ये कह लें कि उनके नाम के आधार पर है। कैसे? सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करें, और मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ह्यूमन बॉडी में सारे सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पता तो हम यूरिनरी सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम कशेरुकाओं की संख्या की बात करें तो रीढ़ की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियों की संख्या लगभग 26 है। तो स्टार्टिंग की जो 7 बोन्स हैं इनको हम सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग की 7 बोन्स किस नाम से जानी गई? सर्वाइकल। 7 के नीचे जो हमारी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के जस्ट पीछे की अगर हम बात करें तो 7 के नीचे 12 जो कशेरुकाएं हैं वो थोरेसिक के नाम से जानी जाती है, राइट। नाउ दैट बात आती है थोरेसिक चेस्ट कैविटी के नीचे की। अगर हम बात करें जहां पर हम जनरली बोलते हैं कि आमाशय है, एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के पीछे की जो कशेरुकाएं होती हैं उनकी संख्या है 5 और वो लंबर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है पेल्विक कैविटी जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो वहां पर एक कॉकेक एक सैक्रम तथा एक कॉकेक्स आती है। एक सैक्रम में 4 बोन शामिल की गई है और एक कॉकेक्स में 5 बोन शामिल की गई है। अगर इनका कैलकुलेशन किया जाएगा तो ये लगभग 26 नंबर निकल कर आती है। सो मैंने पोजीशन क्या बताया आप लोगों को कि अगर हम किडनी की पोजीशन की बात करते हैं तो 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा, यहां मैंने दे रखा है 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd नंबर वर्टिब्री के बीच में जनरली किडनी हमारी पाई जा रही है। बीन सैक स्ट्रक्चर्स हैं, सेम के बीच की आकृति की संरचनाएं, 2 पोल हैं याद रखिए, सुपीरियर इंटीरियर। सुपीरियर पोर्शन पर एक ग्लैंड पाया जाता है, एक एड्रिनल ग्लैंड, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है यहां पर एक हाइलम, एक गड्ढा पाया जाता है जिसके माध्यम से यूरेटर्स निकलते हैं। यूरेटर्स नीचे ब्लैडर से जुड़ा होता है, राइट। अगली क्लास में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किडनी में ऐसा क्या पाया जा रहा है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलकर गया हूं मैं, जितने भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के माध्यम से प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे हमारे रक्त में शामिल होते हैं, राइट। और ब्लड सभी ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम्स के माध्यम से या हम ये कह लें कि रक्त परिसंचरण के माध्यम से सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक सभी प्रकार के उत्पादों को देता है। तो जब रक्त किडनी तक आता है तो किडनी इसको फिल्टर करने का काम करती है। किस तरीके से करती है, किडनी की क्या संरचना होती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में